सुनाई और जानकारी लेते हैं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर आज बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए पार्लियामेंट पर आए हैं। सर, आज का जो बाबा साहब का 127वां जन्मदिन है, आप लोग इसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया था कि आपको अच्छा लगा हम जन्मदिन मनाएं? सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 127वीं जन्म उत्सव की मंगल कामना और शुभकामना देता हूं, और स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं देशवासियों को भी, विशेषकर अपने समाज के लोगों को, कि भारतीय संविधान जिसको आधार बनाकर आज हम अपना डिफेंस बचाव करते हैं, उस संविधान के निर्माण से लेकर और इनके सभी अधिकारों को का संरक्षण उस संविधान में करने का जो काम किया है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है, और उनके जन्म उत्सव को सर्व समाज को मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि सारे समाज के ऊपर उनका एहसान है, उपकार है, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा। मानवता के रक्षक के रूप में समानता और समता और सम्मान का जो नारा जहां से उभर कर इस 21वीं सदी में आज जो सामने आया वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस मेहनत और उस लगन और उस त्याग और उस अभियान का प्रतिफल है। ये इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि नहीं, इसको मिलकर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच में है मेहंदी हसन जी और मैं इनसे बात करूंगा। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और आज चेहरे पर रौनक नज़र आ रही है। सर, आज आप लोगों ने ये ठाना है कि हमेशा हम बाबा साहब की बात करते हैं, आज हम एक साथ बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हिंदुस्तान में इतना अच्छा, भारत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर? इस भारत के अंदर जो है हर आदमी को बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए। हर उस आदमी को जो भारत में रहता है उसको बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि जो संविधान हिंदू हमारे भारत का है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। सर, संविधान के अंदर ऐसा क्या लिखा है जो बाबा साहब को आप इतने बड़े अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं? संविधान में वो सब कुछ लिखा है जो है लोकतंत्र में होना चाहिए। दुनिया के किसी देश में ऐसा संविधान नहीं है। हमारा संविधान दुनिया के सारे देशों से अच्छा संविधान है। यहाँ हमें ये संविधान बराबरी का अधिकार देता है, हमारे धर्म को हमारे तरीके से मानने का अधिकार देता है, हर समाज को उसका अपना अधिकार देता है, उसको अपनी शैली में जीने का अधिकार देता है। ऐसा संविधान बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन सर, अभी आपने देखा कि जो यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अनंत कुमार हेगड़े जी कहते हैं कि संविधान तो बेकार है, इसको हम बदलने के लिए आए हैं। ये लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये लोग संविधान के कातिल हैं, ये संविधान के दुश्मन हैं। ये आज से नहीं, ये देश के आजाद होने से पहले के ये संगठन हैं, और इन्होंने कभी देश के लिए नहीं सोचा, इन्होंने हमेशा देश का झंडा जलाया है। ये वो उस संगठन की सरकार है जो आज भी अपनी शाखाओं में जो है देश का झंडा नहीं लगाते। इन्होंने 52 साल अपने मुख्यालय पे नागपुर में झंडा नहीं लगाया। ये वो लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों से लेके बैठे हैं। ये वो लोग हैं कि उसको संवैधानिक अधिकार है, उस बच्चे को जो घोड़ा लेके अपने गांव में आया था उस बच्चे को भी मार दिया गया, उस घोड़े को भी मार दिया गया। ये संविधान के कातिल हैं। इन्होंने कासगंज में एक बच्चा, उसको बारात लेके जाना था, किसी प्रशासन ने उसे इजाजत नहीं दी, डीएम ने इजाजत नहीं दी, एसपी ने इजाजत नहीं दी, फिर वो कोर्ट में पहुंचा, सुनिए मेरी बात, फिर वो कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने इजाजत दी तो प्रशासन ने उसका रूट बदल दिया। क्या उसको अपने देश में जाने का अधिकार नहीं है? ऐसे लोगों की ये सरकार आई है। इनको 2019 में हम लोग तालमेल बना रहे हैं, जितने शोषित पीड़ित हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, जितना पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सारे हम लोग तालमेल बना रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी तादाद आधे से ज़्यादा है इस देश में। हम इनको उखाड़ के फेंकेंगे और ये सारे लोग जेल में होंगे। मैं भी समझी, क्या कुछ देर नहीं हो चुकी है कि इकट्ठा होने में? कुछ देर तो हुई है ना इकट्ठा होने में। पहला कहा जाता था, मानवर कांशीराम साहब नारे लगाते थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुस्लिम जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। लेकिन क्या अभी मुस्लिमों ने कुछ देर नहीं कर दिया इकट्ठा होने में? कोई देर नहीं किया है। अभी 1 साल का समय बाकी है। अगर हम एक दिन पहले भी वोट से इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे, इन देश के दुश्मनों को उखाड़ के फेंक देंगे। हम एक दिन पहले भी इकट्ठे हो जाएंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे। हम 1 साल पहले इकट्ठे हो गए हैं।
ये लोग ये लोग ये वो लोग हैं कि मैं अगर आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। ये इस तरह का माहौल आज देश में चल रहा है। आज इस तरह का माहौल चल रहा है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये देश को बर्बाद करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये धोखे से 70 साल की आजादी के बाद आ गए हैं। अब हम इनको 140 साल भी नहीं आने देंगे। बहुत अच्छा।